प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पाए जाने वाले बहुत सारे इंटरमीडिएट्स, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमने उस दिन पहले लेक्चर में ये सब पढ़ा, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। बट आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के इंटरमीडिएट, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बीन, और इसी का दूसरा नाम है मिथाइली, और इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। कार्बन, कार्बन जो कि आपका सिक्स फोर्थ ग्रुप में होता है, 1s2, इसका एटॉमिक नंबर 6, 2s2, 2p2, सो 2 and 4। सो इन द लास्ट ऑर्बिटल कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इन द केस ऑफ द कार्बीन 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम लगाएं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके सेटिस्फाई होते हैं, उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है हाइड्रोजन से, एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके अनपेयर्ड रह जाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज कार्बीन, राइट। कार्बीन जो है, जिसका नाम मिथाइलीन है, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है। इट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, sp2 हाइब्रिडाइज एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 are satisfied with the hydrogen, right? And 2 are lone pair. But lone pair है इसमें आपके 1 electron pair का lone pair है, और ये आपका as a whole carbene आपका neutral species होता है। Neutral species means जिसपे आपका कोई भी charge नहीं होता है। तो this is a compound of 2 bond with 2 electron. 2 bond with 2 electron. Right? So this is a divalent carbon containing 2 unpaired electron and 2 paired electron. So this is carbene, the introduction of the carbene. दोबारा से देखें, carbene जो कि आपका एक intermediate है, इसी का दूसरा नाम आपका मिथाइलीन है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और फोर्थ ग्रुप में होता है, तो हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p2, सो इट इज 2, 4। इन द लास्ट ऑर्बिटल देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन, एंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन, 2 are paired एंड 2 are unpaired, राइट। सो इट इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, sp2 हाइब्रिडाइज, एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड the geometry is diagonal, so it is diagonal in geometry, right? Now the preparation of the carbene. Carbene को हम कैसे बना सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बोला, ये एक intermediate है, तो ये कहीं ना कहीं reaction के बीच में आपका बनेगा। So preparation of carbene में we have a reaction, photochemical decomposition or by the pyrolysis, of aliphatic diazo compound, aliphatic diazo compound। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं पायरोलाइसिस क्या होता है? पायरोलाइसिस मीन्स डूइंग द रिएक्शन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द पायरोलाइसिस ऑफ एलिफेटिक डाइएजो कंपाउंड। डाइएजो कंपाउंड, एजा वर्ड इज यूज फॉर द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए हम एजा वर्ड यूज करते हैं, तो डाइएजो कंपाउंड, तो जिसमें कि 2 एजा मीन्स 2 आपके नाइट्रोजन हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं CH2,
एंड ट्विस्ट को हीट करता है बिकॉज इट इज अ पायरोलाइसिस रिएक्शन एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन वी गेट द कार्बीन एंड देयर विल बी अ नाइट्रोजन इवोल्यूशन. सो इट मीन्स कि नाइट्रोजन का यहाँ पे निकलना और साथ में कार्बीन का बनना. इसको हम कीटीन के थ्रू भी बना सकते हैं. कीटीन राइट, इससे भी आपका कार्बीन बनेगा राइट. तो कार्बीन हम इसे बना सकते हैं बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन मींस यूजिंग ऑफ अ फोटोन और अ एनर्जी पैकेट. फॉर दिस वी गेट द मिथाइलीन और अ कार्बीन एंड विद द हेल्प ऑफ अ कीटीन एंड वी कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ अ बाय द एक्शन ऑफ base on suitable polyhalogen compound. Polyhalogen compound क्या होते हैं? Polyhalogen compound means कि जिसमें बहुत ज्यादा halogen होते हैं. आपने सबसे ज्यादा इसका जो example है वो daily life में हम सुनते भी हैं, chloroform, right? तो polyhalogen, chloroform जिसमें कि polyhalogen means ज्यादा आपके halogen है, chlorine, right? हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया C2H5ONa राइट. हमने कोई भी आप स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड या कोई भी, है ना, इस तरीके का हम यहाँ पे लेते हैं एंड वी गेट द दिस रिएक्शन. फॉर दिस वी गेट दिस कार्बीन हैविंग टू हैलोजन. सो दिस इज ऑल्सो कार्बीन. तो इससे आपको क्या पता चला कि कार्बीन का फॉर्मूला जो है, जिसको हम CH2 कह रहे हैं, जो वो आपका CH2 मतलब आपको कार्बीन में कार्बन लेना है, ऐसा कार्बन जिसमें कि दो बॉन्डेड आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे. दैट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बी सेटिस्फाई आइदर बाय द क्लोरीन और बाय द हाइड्रोजन. वो क्लोरीन से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, वो आपके हाइड्रोजन से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं. सो दिस इज कार्बीन. दिस इज द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बीन. Now, types of, various types of a carbene. There are two types of a carbene. One is the singlet and second is the triplet. Singlet and triplet. इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए if these two non-bonded electron are present in the same orbital, right? If both the electron goes to the one orbital, then we call it the singlet carbene, right? And triplet carbene, if both of the electron goes into different orbital, then we call it the triplet carbene. Right? They have opposite spin, right? Opposite spin होने की वजह से they have a band structure. अगर हम singlet carbene की बात करें तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, right? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इनके बीच में जो bond angle होता है, that is 103 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है एंड इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.13 एंगस्ट्रॉम की होती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट द बेंट, हैविंग द बेंट स्ट्रक्चर. और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, बोथ द इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द वन ऑर्बिटल, राइट. सो दिस इज सिंगलेट कार्बिन. अगर ट्रिपलेट कार्बिन की बात करें तो इस ट्रिपलेट कार्बिन को स्ट्रक्चर जनरली तो यही होगा इसका, राइट. और इसमें आपका जो बॉन्ड एंगल है इट इज ऑफ 180 डिग्री, राइट. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो बोथ इलेक्ट्रॉन आर इन अ डिफरेंट ऑर्बिटल. सो दिस इज ट्रिपलेट कार्बिन. हेयर
the bond length is 1.03 angstrom. The bond length of triplet carbene. This is 1.03 angstrom. So this having a planar structure, this having a band structure. So in singlet carbene, both the electron goes into the one orbital, right? Here both the electron goes into the different orbital. Singlet carbene, we can write this singlet carbene like this, having a band structure and the bond angle of 103 angstrom and the bond length of 1.13 angstrom. Triplet carbene, the two electron goes into the different orbital and have the same spin. सेम स्पिन होने की वजह से जब अगर दोनों का सेम स्पिन है तो इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है. इनकी वजह से इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कैंसल हो जाता है क्योंकि उनका अपोजिट स्पिन होता है. सेम स्पिन होने की वजह से यहाँ पे इनका मोमेंट जो है वो आपका कैंसल हो जाता है. एंड यहाँ पे जो आपको बॉन्ड लेंथ है वो 1.03 एंगस्ट्रॉम की मिलेगी और बॉन्ड एंगल आपका 183 एंगस्ट्रॉम का मिलेगा. ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसकी रिएक्शंस जो है, डिफरेंट तरह की रिएक्शंस कहाँ कहाँ ये इन्वॉल्व होता है वो आपको देखने को मिलेगा. जैसे कि मैंने बात करी कि ये आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन मिलेगा, तो बहुत सारी रिएक्शंस है जो आपकी कार्बीन जिसमें एज अ इंटरमीडिएट बनता है और हम उसको एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं. इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो है वो आपका टेफ्लॉन प्रिपरेशन में देखा जाता है. टेफ्लॉन आप सबने देखा होगा कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमारे घर में नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं तो टेफ्लॉन की उसके ऊपर कोटिंग करी जाती है और वो जो कोटिंग है वो आपकी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है. और टेफ्लॉन बनाते वक्त बीच में कहीं आपका इंटरमीडिएट कार्बीन और मिथाइलिन आपका यूज होता है. अब हम यहां पे देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बाय कार्बीन. कार्बीन कौन कौन सी आपकी रिएक्शन देता है. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एडिशन टू एल्कीन. सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन टू एल्कीन. सपोज हमने एक सिंपल एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम इथाइलीन भी कह रहे हैं, और इस पे हमने अपना मिथाइलीन ऐड करा. जब हम मिथाइलीन ऐड करते हैं तो वी गेट द साइक्लिक कंपाउंड. इस तरीके का हमें कंपाउंड मिलता है. तो जब भी हमें एक लीनियर चेन कंपाउंड से साइक्लिक चेन कंपाउंड बनाना होता है तो हम यहां पे कार्बीन यूज कर सकते हैं. सेकेंड, हम इससे इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं. जैसे सपोज मैंने यहां पे आपका सिस कार्बीन लिया, दिस इज सिस कार्बीन, और इस पे हमने रिएक्शन करी सिस कंपाउंड ले लिया और इस पे हमने रिएक्शन करी सिस कार्बीन की. व्हेनेवर वी डू द रिएक्शन ऑफ अ सिस कंपाउंड विद अ सिंगलेट कार्बीन, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं सिस कंपाउंड, कोई सा भी हमने ज्योमेट्रिकल कंपाउंड ले लिया उसकी सिंगलेट कार्बीन से रिएक्शन करते हैं, तो सिस कंपाउंड सिस प्रोडक्ट देता है और ट्रांस कंपाउंड ट्रांस प्रोडक्ट देता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिया है तो सिस कंपाउंड आपका सिस साइक्लिक प्रोडक्ट देगा, राइट? दिस इज सिस प्रोडक्ट. सिंगलेट आपका सिस प्रोडक्ट देगा. अगर हम यहां पे ट्रांस कंपाउंड ले लेंगे, ट्रांस कंपाउंड किसे कहते हैं जिसमें कि सेम ग्रुप आपके अपोजिट साइड पे होते हैं. सपोज मैंने ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपके अपोजिट साइड पे ले लिए, यहां पे आपने सिंगलेट कार्बीन की रिएक्शन करी और ये ट्रांस कंपाउंड है हमारा, तो हमें यहां पे ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा. बट दिस रिएक्शन इज डिफरेंट विद द ट्रिपलेट कार्बीन. ये हमने क्या कहा कि सिंगलेट कार्बीन लिया, तो सिंगलेट कार्बीन के केस में सिस सिस प्रोडक्ट देगा. अगर रिएक्टेंट आपका सिस है तो सिस प्रोडक्ट देगा, और रिएक्टेंट अगर आपका ट्रांस है तो वो ट्रांस प्रोडक्ट देगा. बट वेन वी डू द रिएक्शन विद द ट्रिपलेट कार्बीन, जब हम ट्रिपलेट कार्बीन के साथ ये रिएक्शन करते हैं
सपोज मैं यहां पे ट्रिपलेट कार्बिन ले लेती हूं, तो सिस और ट्रांस कुछ भी लेंगे आपको, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द मिक्सचर ऑफ द सिस एंड द ट्रांस कंपाउंड, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जो हमने टाइप्स पढ़े मिथाइलीन के, वो बहुत मैटर करते हैं, वो इसलिए मैटर करते हैं कि रिएक्शन आपकी डिफरेंट होती है। सिस के साथ आपको जब सिंगलेट कार्बिन लेते हैं तो जैसा रिएक्टेंट होगा वैसा प्रोडक्ट मिलेगा, जब ट्रिपलेट कार्बिन लेंगे तो जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे, चाहे सिस ले चाहे ट्रांस ले, वी ऑलवेज गेट द मिक्सचर ऑफ द सिस एंड द ट्रांस प्रोडक्ट, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन बाय कार्बिन, एंड इसमें फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा एडिशन टू एल्कीन, जिसमें आपको याद रखना है कि सिस कंपाउंड जो है वो ट्रांस के, अगर सिंगलेट कार्बिन ले रहे हैं तो सिंगलेट कार्बिन एक जैसा बिहेव करता है, सिंगलेट कार्बिन सिस के साथ सिस प्रोडक्ट बनाएगा, ट्रांस के साथ ट्रांस बनाएगा, ट्रिपलेट कार्बिन चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट लें वो आपका मिक्सचर बनाएगा। नाउ द सेकेंड रिएक्शन गिवन बाय द कार्बिन, जो कार्बिन दूसरी रिएक्शन देता है वो है आपकी इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्ट करना, कोई भी ग्रुप, कोई भी मिथाइलीन, क्योंकि ग्रुप की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, वो मिथाइलीन आपका यहाँ पे ऐड हो जाना। सपोज मैंने यहाँ पे लिया दिस इज अवर रिएक्टेंट और इसकी रिएक्शन हमने कराई कार्बिन से, ठीक है। अब कार्बिन से जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन कराते वक्त हमें ये देखना होगा, सेकेंड रिएक्शन गिवन बाय द कार्बिन इज इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्ट करना, किसी के अंदर कोई चीज डाल देना। तो हमने यहां पे लिया राइट और इसमें हमने कार्बिन लिया, ये रिएक्शन हमने इस तरीके से आपने ऐड कर दी, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं यहां पे, इंसर्ट कर रहे हैं, दिस कार्बिन आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दी, तो ये इंसर्शन रिएक्शन किसी भी चीज में आपने इसको ऐड कर दिया, कहीं आपको रिंग एक्सपेंशन करना है वहां पे आप इसको एज अ इंटरमीडिएट यूज करते हैं। तो बेसिकली ये रिएक्शंस, इनके टाइप्स, ये क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना, और इसके वेरियस एप्लीकेशन है, बहुत सारी रिएक्शन में ये आपका यूज होता है, जैसे कि रीमर टीमर रिएक्शन आप 12th में पढ़ते थे, वहां पे भी एज अ इंटरमीडिएट आपका यूज ये यूज होता है, टेफ्लॉन जो बनाते हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया वहां भी एज अ इंटरमीडिएट यूज होता है, और जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां पे भी हम इसको एज अ इंटरमीडिएट यूज करते हैं कार्बिन को। इसके बाद हमारा जो सेकेंड कंपाउंड, सेकेंड इंटरमीडिएट आता है, दैट इज द नाइट्रीन। नाइट्रीन भी सेम ऐसा ही है जैसे हमने कार्बिन पढ़ा, नाइट्रीन, नाइट्रीन जैसे नाम से पता चल रहा है यहां पे नाइट्रोजन होगा, नाइट्रीन, नाइट्रीन, और इसी का दूसरा नाम है इमीडोजीन, एजीन और इमीन, ये जो नाम है सारे के सारे एक ही कंपाउंड के हैं, और इसको हम कैसे शो करते हैं, दिस वन, ठीक है। अब इसमें देखें, अगर ध्यान से हम देख रहे हैं तो इसमें जो है नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड है और आपके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके नॉन बॉन्डेड है। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है आपका फिफ्थ ग्रुप में होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 1s2, 2s2, 2p3, ये सब आपको 12th में पढ़ाया जाता है राइट, हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। तो इसमें आपके इमीडाजीन में this compound are and having a two lone pair of electron, one bond with the two non-bonded electron, ये हुआ कैसे है आप इसको ऐसे देखें, नाइट्रोजन के आउटर शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, one is shared by this hydrogen or any type of a alkyl group, right, so this will form, so bond will form, because here we are taking R, so take this, so this is nitrate।
अब यहाँ पे देखा जाए तो दो लोन पेयर आपके दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आपके हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन. सो इमी नाइट्रीन में हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. आप देख रहे हैं कि जो हमने कार्बीन पढ़ा था उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल थे. यहाँ नाइट्रोजन वाले में भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है. तो हर एक जो कंपाउंड है वो अपने लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है. इसीलिए ये आपके अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं, फटाफट से स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. एंड क्योंकि यहाँ पे ये दो आपके, क्योंकि इनको और दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो ये एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल मींस लविंग, राइट, लविंग. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको अपने 8 पूरे करने हैं. तो ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं. तो जहां भी ऐसी रिएक्शन करानी हो कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना हो, वहां पे ये रिएक्शन आपकी होती है. ये जो नाइट्रीन होते हैं ये आपके बहुत डिफिकल्टी से बनते हैं, क्योंकि जब भी हम नाइट्रीन बनाने की कोशिश करते हैं इट विल पॉलीमराइज इनटू दिस कंपाउंड NHN. तो जब भी हम नाइट्रीन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो फटाफट से NHN में पॉलीमराइज होने की कोशिश करेगा. अगर सिंपल नाइट्रीन बनाते हैं तो साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं जब भी नाइट्रीन बनाना हो तो हमें सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रीन बनाना चाहिए. सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रीन बनाने पर इसका पॉलीमराइजेशन आपका नहीं होता है. तो वहां पे हम इसको कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप या कोई हैलोजन ग्रुप या कुछ इस तरीके से लगे हुए ग्रुप आप इसके ले लेते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके का पॉलीमराइजेशन ना हो और फर्दर आप इससे डिफरेंट नए तरीके के कंपाउंड बना सके. ठीक है, इसके बाद आता है आपका टाइप्स. अगर हम बात करें नाइट्रीन के टाइप्स की, तो नाइट्रीन भी आपके कार्बीन की तरह दो तरीके के होते हैं. एक आपका होता है सिंगलेट और एक आपका होता है ट्रिपलेट. सेम वही प्रोसेस है सिंगलेट और ट्रिपलेट का भी. सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, जैसे कि हम कह रहे हैं कि सिंगलेट में बोथ द इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द वन ऑर्बिटल, राइट, एंड ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉन मीन्स बोथ द इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द डिफरेंट ऑर्बिटल. तो इसमें आपके मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसमें आपका मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है. जैसे मैंने आपको कार्बीन में अच्छे से सारी चीजें समझाई, सेम वही चीज यहाँ पे होगी. कार्बीन और इसमें फर्क बस यही है कि कार्बीन में टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, टू बॉन्ड थे. यहाँ पे आपके टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वन बॉन्ड है. सेम सिंगलेट और ट्रिपलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सेम है. एंड हेयर द ट्रिपलेट स्टेज इज द ग्राउंड स्टेज. ये जो ट्रिपलेट स्टेज है यहाँ पे नाइट्रीन के केस में वो ग्राउंड स्टेज वाली आपकी रिएक्शन होती है. एंड द मोस्ट ऑफ द नाइट्रीन एग्जिस्ट इन दिस स्टेज, क्योंकि ग्राउंड स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा ये आपका स्टेबल रहता है. तो वहां यहाँ पे आपको ये ट्रिपलेट एज अ स्टेबल कंपाउंड, एज अ नाइट्रीन ट्रिपलेट एज अ स्टेबल कंपाउंड आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा. अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर जो है इसका सेम वैसे ही होता है जैसे कार्बीन का होता है. कोई भी कंपाउंड आप इसमें लगा दें, जैसे हमने यहाँ पे फिनाइल के साथ इसकी रिएक्शन कराई और ये बनाया, तो ये आपका हो जाएगा फिनाइल नाइट्रीन. पीएच, अच्छा ये पीएच शायद आप पहली बार देखने को मिले. ये पीएच वो वाला पीएच नहीं है जो हम, ये होता है दिस इज पीएच जो आप पढ़ते हैं कि वाटर का पीएच इतना है या पीएच एसिडिक की तरफ है या एल्कली की तरफ है, वो ये पीएच नहीं होता है. इसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट, C6H5 को पीएच से भी दिखाते हैं. और आपकी एक नॉलेज बढ़ाए कि इसी C6H5 को किसी किसी बुक में आपको फाई से भी डिनोट किया जाता है. तो इस तरीके से अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें कि ये कौन सा नाइट्रीन हो गया, तो इस नाइट्रीन का नाम है आपका फिनाइल नाइट्रीन. फिनाइल नाइट्रीन मतलब जो भी आपने ग्रुप लगाया है उसका नाम लीजिए और उसके आगे नाइट्रीन लगा दीजिए. जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक और हम ट्राई करते हैं दिस वन, है ना, इथाइल नाइट्रीन.
इथाइल, ईटी स्टैंड्स फॉर इथाइल C2H5, तो ये आपका हो गया इथाइल नाइट्रीन। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स एंड नॉमनक्लेचर। टाइप्स में तो बिल्कुल जैसे कार्बीन है सेम वही पढ़ना है ना, और ये नॉमनक्लेचर ऐसे ही कार्बीन का भी नॉमनक्लेचर होता है, जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसका नाम लिखिए कार्बीन, राइट। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। फिर आधा है आपका फॉर्मेशन, ये कैसे बनाया जाता है। जैसे हमने कार्बीन में पढ़ा था कि पायरोलाइसिस रिएक्शन करी, फोटोकेमिकल रिएक्शन करी, है ना, यहां पे ये भी आपका डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है। इफ हाइड्रोजोइक एसिड, प्रोजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद यूवी लाइट इन एरोमेटिक सॉल्वेंट। एरोमेटिक सॉल्वेंट समझते हैं, एरोमेटिक सॉल्वेंट जिसमें कि आपका बेंजीन रिंग, राइट। नॉर्मली तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं विच फॉलो द हकल रूल। हकल रूल क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। जैसे कि हम बेंजीन को कह रहे हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब कैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, हमने कहा एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल क्या है, दैट इज 4n+2π इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसमें देखें कि 4n+2π अपनी इक्वेशन लगाएं, और अगर वैल्यू जीरो से लेके इंटीजर नंबर 1, 2, 3 ऐसे आती है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आती है, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। अगर बेंजीन के केस में लें तो 4n+2 और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, 2, 4, 2, 6, राइट। तो यहां पे हो गया, इसको हम n की वैल्यू निकालें तो n आता है 1। अगर n 1 आ रहा है, 1, 2, 3, 4 मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। तो इस तरीके से अगर कोई हम एरोमेटिक सॉल्वेंट लेंगे और हम यहाँ पे हाइड्रोजोइक एसिड को ट्रीट करेंगे विद द यूवी लाइट इन एरोमेटिक सॉल्वेंट, तो वो आपका रिएक्शन देता है, नाइट्रीन बनाता है। हाइड्रोजोइक एसिड इज N3H, और हम इसमें यूवी लाइट यूज कर रहे हैं तो HNU में आपका ले लेती हूँ, राइट। तो यहां पे आपका हाइड्रोजोइक का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में आपकी नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। तो यहां पे पहले रिएक्शन क्या हुई कि आपने हाइड्रोजोइक एसिड लिया, उस पर यूवी लाइट डाली, कोई एनर्जी पैकेट डाला और आपका ये बन गया, राइट। अभी हम साथ में एरोमेटिक सॉल्वेंट भी ले रहे हैं, तो हमने यहां पे एरोमेटिक सॉल्वेंट में सपोज मैंने टोलुइन ले लिया, C6H5CH3, टोलुइन ले लिया। टोलुइन लेने के बाद ये जो रिएक्शन है वो आपकी नाइट्रोजन जो है, वो जो आपका नाइट्रीन है, वो यहां पे रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे जो फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं पैरा टोल्यूडीन, टोल्यूडीन, राइट। तो इस तरीके से आप ये नाइट्रीन बीच में इंटरमीडिएट बनता है और ये साथ में एरोमेटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने पे नया प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरीके से हम ये रिएक्शन, इसका फॉर्मेशन जो है, ये जो नाइट्रीन है ये फॉर्म होती है और तुरंत ही दूसरे कंपाउंड में आपकी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये आपकी एज ए इंटरमीडिएट होती है, बहुत थोड़े समय के लिए ये आपकी बनती है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ इथाइलीन, नाइट्रीन इज ट्रैप्ड टू फॉर्म अ इथाइलीडीन एमीन। अगर हम यहाँ पे इथाइलीन ले लेंगे, राइट, तो इथाइलीन इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और इसी तरीके का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम और भी तरीके से बना सकते हैं बाय द फोटोलाइसिस ऑफ एल्काइल एजाइड, सेकेंड एक और मेथड डिस्कस करते हैं, जैसे वहां हमने कीटीन के साथ बनाया था। यहां सेकेंड जो मेथड है बाय द फोटोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय द फोटोलाइसिस ऑफ एल्काइल नाइट्रोजन। सो हमने R N3H ले लिया, एल्काइल एजाइड ले लिया,
और साथ में हमने लाइट पैकेट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज द फोटोलाइसिस रिएक्शन है और अगेन वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ नाइट्रीन. ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं. और यहां पे आप कोई भी एल्गाइल हैलाइड ले सकते हैं, जैसे कि सपोज CH3 ले लिया, राइट, हमने लाइट की रिएक्शन क्योंकि फोटो केमिकल रिएक्शन है तो यहां पे ये बहुत कॉमन आपका रिएक्शन होती है. यहां पे हम CH3 ले सकते हैं, यहां पे हम C6H5 ले सकते हैं, यहां पे हम C2H5 ले सकते हैं, है ना. तो कोई भी हम इस तरीके का एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप लेके हम अपना नाइट्रीन जो है वो आप बना सकते हैं. इसके बाद आता है आपकी इसकी रिएक्शन, तो यहां भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे. पहली रिएक्शन है इसकी एडिशन टू एल्कीन. एल्कीन में ये कैसे ऐड होता है, एडिशन टू एल्कीन. ये भी सिमिलर रिएक्शन देता है जैसे आपने कार्बीन में एडिशन टू एल्कीन, जैसे आपने कार्बीन में पढ़ी. कार्बीन में हमने क्या पढ़ा कि वी गेट द साइक्लिक कंपाउंड, तो यहां पे भी हम एक एल्कीन ले लेते हैं, राइट. हम यहां पे अपना नाइट्रीन लिया. अब जब नाइट्रीन लेंगे तो इसी तरीके का आपका साइक्लिक कंपाउंड बनेगा. इसको कहते हैं प्रोपेन इमीन. मैंने जो पहले आपको लिखा था तो मैंने आपको ये बताया प्रोपेन इमीन, है ना. तो यहां पे इस तरीके से जब हम ये लिखते हैं तो इमीन वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर द नाइट्रीन, तो वहां पे भी इमीन वर्ड जो है वो नाइट्रीन के लिए आपका यूज होता है. इसी तरह हम एडिशन टू एल्केन कर लेते हैं, राइट. तो इस तरीके से हम बहुत सारी ये रिएक्शन करते हैं और इसका सबसे ज्यादा यूज, जैसे कोई भी रिएक्शन हम पढ़े हैं उसका कहाँ यूज होता है, जैसे हमने पहले बताया वो टेफ्लॉन प्रिपरेशन में एज अ इंटरमीडिएट कार्बीन यूज होता है. ये आपका एज अ आपने एसाइल जो आपके एजाइड्स हैं RCON, ये जो इंटरमीडिएट है ये आपने देखा होगा बहुत सारी रिएक्शन में एज अ इंटरमीडिएट यूज होता है, जैसे कर्टियस रिएक्शन, जैसे लॉसन रिएक्शन, जैसे हाफमैन रिएक्शन, वहां पे ये एज अ इंटरमीडिएट यूज होता है एंड वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट कर्टियस लॉसन या हाफमैन रिएक्शन में. आपको ये जो रीअरेंजमेंट होते हैं वहां पे एज अ इंटरमीडिएट आपका यूज होता है, राइट. सो दिस इज नाइट्रीन. अब तीसरा इंटरमीडिएट आता है आपका बेंजाइन. ये भी आपने पढ़ा होगा, ये तीन इंटरमीडिएट जो है आपके कोर्स में है जो कि कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल से थोड़ा सा हटके. बेंजाइन, एक तो बेंजीन होता है, तो ये बेंजाइन क्या हुआ, दिस इज बेंजाइन, राइट. बेंजाइन और एराइन, और इसी को हम कह रहे हैं C6H4, राइट. C6H4, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है अगर मैं बनाऊं इस तरीके से होता है, सॉरी, हाँ आप ऐसे भी बना सकते हैं, राइट. ठीक है, तो आप यहां पे देखें तो हैविंग दिस कंपाउंड हैविंग अ एरोमेटिक करेक्टर फाउंड एज अ इंटरमीडिएट, ये इसमें ये एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से इसके एरोमेटिक करेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है एंड दिस इज फाउंड एज अ इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट की तरह ये मिलता है कहां पे, जहां भी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी होती है और एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने होते हैं, तो इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक करेक्टर होता है इसी में, राइट. ठीक है, and this is formed as a intermediate during nucleophilic substitution reaction, during nucleophilic substitution reaction, वहां पे ये आपको मिलता है एज अ इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा. यहां पे नया वीकर बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द कार्बन कार्बन,
ये जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, ये बहुत वीक बॉन्ड होता है, ठीक है. एंड ये स्लोली ओवरलैप कर लेता है. स्लोली ओवरलैप करने की वजह से किसी भी कंपाउंड के साथ ओवरलैप करेगा और नया कंपाउंड बनाता है. और ये जो आपका कंपाउंड है, इसमें ये जो न्यू वीकर सीसी बॉन्ड बनता है, दैट फॉर्म बाय द साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. अगर साइड वे ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. ये जो बेंजाइन है, बेंजाइन से रिलेटेड एक नया टर्म आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा, सिने सब्स्टिट्यूशन. इसको समझेंगे. इसमें कभी कभी जैसे शॉर्ट नोट लिखने को आता है, व्हाट इज सिने सब्स्टिट्यूशन, राइट. वो बेंजाइन के केस में ही होता है. क्या होता है ये बेंजाइन के केस में, या कहीं और भी आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करें वहां पर आपको देखने को मिलेगा. सपोज मैंने एक कंपाउंड लिया 10, ठीक है, क्लोरो बेंजीन, राइट. इसकी मैंने आपकी एमीन के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, एमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा, ये भी ऐसे निकलेगा, और ये अपने नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर देगा. तो यहां पे बीच में आपका बन जाएगा बेंजाइन, और क्लोरीन निकलेगा, राइट. और यहां पे आप NH2 भी ले सकते हैं, राइट, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अमोनिया के सॉल्यूशन में हम ये रिएक्शन लेते हैं. और यहां पे NH3 आपका बन जाएगा. अब यहां पे क्या है कि अगर साथ में आप यहां पे एनिलीन ले रहे हैं, एनिलीन ले रहे हैं, या इसकी रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ, आप रिएक्शन कराएं, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर ये जो अमोनिया का जो NH2 ग्रुप इससे अटैच होगा, वो जो भी लिविंग ग्रुप है उससे ऑर्थो में अटैच होगा. इसको मैं पहले प्रोडक्ट बनाती हूं, फिर अच्छे से आपको समझाती हूं कि यहां पे वी गेट दिस कंपाउंड एंड वी गेट दिस कंपाउंड. अब देखो मैंने क्या कहा कि जो भी अब हमने यहां पे रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर, क्योंकि ये वीक आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, यहीं पे आपकी रिएक्शन होगी, यहीं पे NH2 ग्रुप आपका जुड़ेगा. वो NH2 ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होता है टू द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप से ये आपका लिविंग ग्रुप कौन से, HB है यहाँ पे और CLB है, HB है और CLB है, दोनों से ऑर्थो में आपका अटैच होगा. तो एक बार ये वाला लिविंग ग्रुप माने तो यहां अटैच हो गया, ये वाला लिविंग ग्रुप माने तो यहां अटैच हो गया. तो वी गेट 47% दिस एंड 53% ऑफ दिस कंपाउंड. और इसी जो आपकी घटना हो रही है, इसको हम कहते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन. सिने सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि आपका ये जो भी कमिंग ग्रुप है वो आपका जो भी लिविंग ग्रुप है उसके ऑर्थो में जाके अटैच होगा. बट हमारे पास क्या है कि इस रिएक्शन में दो लिविंग ग्रुप है, एक ये है एक ये है, तो कभी यहां से अटैच हो, इसको लिविंग ग्रुप माने तो यहां पे अटैच होगा, इसको लिविंग ग्रुप माने तो यहां पे आपका ये अटैच होगा. तो इस तरह की रिएक्शंस जहां पे आपकी इन्वॉल्व होती हैं, वहां पे आपका बेंजाइन या एनाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. और ये भी आपका जो हम बना रहे हैं ये इस तरीके से, ये बेंजाइन बना, बेंजाइन की फिर फर्दर आपने रिएक्शन दिखाई. तो जो बेंजाइन है, सिने सब्स्टिट्यूशन दैट अकर इन द विसिनल रीअरेंजमेंट. विसिनल रीअरेंजमेंट मींस कि दोनों जो लिविंग ग्रुप हैं ये एक के बाद एक हैं. ये लिविंग ग्रुप एच है, ये CLH है, तो इस तरह की पोजीशन को हम कहते हैं विसिनल रीअरेंजमेंट. एंड द एंटरिंग ग्रुप ऑक्यूपाइज द ऑर्थो पोजीशन ऑफ द लिविंग ग्रुप. एंटरिंग ग्रुप कौन सा है, NH2. तो वो आपका लिक्विड अमोनिया में जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो वी गेट द एनिलीन. दो तरह की आपको एनिलीन मिलेगी और इस तरीके के आपको आइसोमर मिलेंगे, ठीक है. तो इस तरीके से हम ये रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं, जिसमें कि सिने सब्स्टिट्यूशन दिखता है, वहां पे हमें बेंजाइन जो है वो आपका एज अ इंटरमीडिएट देखने को मिलता है. बेंजाइन जो है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करता है और बहुत सारे आपके एडिशन प्रोडक्ट बनाता है. ये वाटर के साथ आपका फिनॉल बनाता है, राइट. जैसे हम रिएक्शन करें इसकी बेंजाइन, ठीक है, वाटर लेने साथ में, राइट. तो ये आपका फिनॉल बनाएगा, ठीक है, ये आपकी
रिएक्शन देखने को मिलते हैं. एनिलीन के साथ आपका ये एन मिथाइल एनिलीन बनाता है, ठीक है, ये आपका फिनॉल बना लिया. अगर हम बेंजाइन ले लें, ठीक है, और एनिलीन ले लें, ये आपका बनाएगा एन मिथाइल एनिलीन, राइट. सो दिस इज द कंपाउंड इन विच वी गेट दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है. तो हम यहां पे बहुत सारी आपकी रिएक्शंस देखते हैं जिनमें कि आपका ये नाइट्रीन जो है वो आपका प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट बेंजाइन, कार्बीन एंड द नाइट्रीन. इसी के बाद आपका आता है व्हाट इज द अटैकिंग रिएजेंट. अटैकिंग रिएजेंट अगर हम देखें, अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के आपने सुने होंगे, इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल. जब हम पढ़ते हैं कोई भी रिएक्शन तो उसमें आपके रिएजेंट यूज होते हैं. तो दो तरह के रिएजेंट आपके होते हैं. फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग. सेकेंड इज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. इलेक्ट्रोफाइल जो कि जहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए, राइट. तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां जाके वो अटैक करते हैं और आपके प्रोडक्ट बनाते हैं. इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज है. और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि जिन पे इलेक्ट्रॉन आपके एक्स्ट्रा होते हैं, राइट, नेगेटिव चार्ज होता है, और वो जाके ऐसे सेंटर पे अटैक करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है उसमें हर एक कंपाउंड ये चाहता है कि वो आपका न्यूट्रल होए, वो उसके लास्ट ऑर्बिटल में एट इलेक्ट्रॉन आपके होए. तो इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग, राइट, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस लविंग, राइट, ठीक है. तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये आपका जाएगा, ठीक है. तो चार्ज अगर हम देख रहे हैं तो बड़े आसानी से हम पहचान सकते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल, जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो आपका न्यूक्लियोफाइल. और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि n फॉर नेगेटिव, n फॉर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. इस तरीके से भी आप याद इसको रख सकते हैं. कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं कि जो आपके न्यूट्रल होते हैं और जिन पे कोई चार्ज नहीं होता बट वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं. इसका मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में आपके दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे AlCl3, BF3, SO3 एंड ZnCl2. ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता, है ना. अभी हम क्या कह रहे थे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल, जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल. बट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं. वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन की कमी है. पॉजिटिव तो तभी है ना जब उसमें कमी है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, राइट. इसी तरीके के आपके इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, एंड इन दे आर कैपेबल टू टेक द इलेक्ट्रॉन. इसीलिए हम एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इसको कहते हैं लुईस एसिड. इसीलिए इसका नाम होता है लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल का. दे आर कैपेबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो इनका दूसरा नाम इलेक्ट्रोफाइल भी है, लुईस एसिड भी कह रहे हैं, है ना. और ये इलेक्ट्रोफाइल आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं वहां पे आपका यूज होता है. अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियोफाइल अगर हम बात करें तो ये आपके इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपके डोनेट कर रहे हैं, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. दे आर कैपेबल, न्यूक्लियोफाइल आर कैपेबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके लुईस बेस कहलाते हैं. और ये वहां इन्वॉल्व होते हैं जहां आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आपकी होती है, ठीक है. अब इसमें भी बहुत सारे आपके न्यूट्रल एग्जांपल होते हैं, जैसे NH3 हो गया और आपका R S
है ना, आर एस एच हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, बट उनके पास दो इलेक्ट्रॉन या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल होना चाहते हैं। तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जहां होती है वहां इन्वॉल्व होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जहां इन्वॉल्व होती है वहां होते हैं। ये एक्ट एज अ लुईस एसिड, दे एक्ट एज अ लुईस बेस। एक तीसरे तरह का आपका अटैकिंग रिएजेंट भी होता है जिसको हम कहते हैं MB5। MB मींस कि उसमें दोनों करैक्टर होते हैं, MB मींस बोथ, MB5। ठीक है, इसका बेस एग्जांपल हम वाटर लेते हैं, वाटर H2O। देखो यहां पे दिस अगर ये अपना H दे देता है तो देन इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्शन करते हैं राइट तो दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहां पे अटैक होता है ना। तो इस तरीके से MB5 जो कि ड्यूअल नेचर होता है, समटाइम्स दे बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, समटाइम्स दे बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो MB मींस बोथ, है ना, जैसे मैंने आपको बताया इसका टर्म का मतलब होता है बोथ। तो ये आपका हो जाएगा MB5।